अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल शकूर है और मैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दीपालपुर कैंपस उकाड़ा का स्टूडेंट हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ पानी की किल्लत यानी कि कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सब्जियाँ या गार्डन वगैरह को अच्छी तरह कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑल ऑफ ये जो मैथड है ना, ये इरीगेशन मैथड है। इरीगेशन मैथड में सबसे पहले वाटर को स्टोर किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर है ये सबसे पहले स्टोरेज किया हुआ है। स्टोरेज करने के बाद इसे जो मुख्तलिक जो वायरिंग वगैरह प्लांटर वगैरह जो भी यूज़ करके ना वो खेत तक पहुँचाया जाता है। वाटर स्टोरेज करने के बाद जो प्रोसेस होता है ना वो ये जो एक बड़ी मोटर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर ये जो नीचे पानी खींच कर ऊपर की तरफ ले जाती है। ये जो पानी ऊपर की तरफ आता है ना उसके बाद ये जो मुख्तलिक मीटर वगैरह लगे होते हैं इनकी को मैश करने के लिए, ये जो बड़ा टैंक है ये पानी को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें निके लीव्स वगैरह जो होते हैं ना वो इनको फिल्टर करके आगे जो पैंप वगैरह आता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये छोटे और बड़े वाल लगे होते हैं जो पानी को स्टॉप करते हैं या आगे तक जो वायरिंग वगैरह होता है उन तक पहुँचाते हैं। फिल्टर पानी के फिल्ट्रेशन के बाद जो होता है ना वो पानी का प्रेशर बनाना होता है। अगर प्रेशर ना हो तो वो जो वायरिंग होती है उन तक पानी नहीं पहुंचता। तो उसके बाद ये जो एक प्लांट लगा होता है ये मुकम्मल तौर पर प्रेशर बनाता है। पानी का प्रेशर बनाने के बाद ये तो मैशी मीटर होता है, ये बताता है कि कितने प्रेशर के साथ ये पानी जा रहा है। वो जो प्रेशर के साथ पानी इस नोजल के साथ पार जो हमारा एरिया है वहाँ तक पहुँचेगा। ये ड्रिप इरीगेशन मेथड सिस्टम है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं इसके साथ ही इस्तेमाल हो जाती है और ये पौधे की जड़ तक मुकम्मल तौर पर पहुंचती है और इसकी नशोनुमा ग्रोथ भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है और इसमें हम लेबर कम यूज़ करते हैं और सबसे बढ़कर ये है कि इसकी जो होती ना वाटर उसकी बहुत बचत होती है। ये भी एक ड्रिप इरीगेशन मेथड सिस्टम की एक टाइप है जिसमें पौधे को जितना पानी रिक्वायर चाहिए ना उतना दिया जाता है। इसमें जो प्रेशर रखा जाता है ना पानी का वो बार के हिसाब से रखा जाता है। एक बार में तकरीबन 2.5 लीटर आता है और दो बार में तकरीबन 3 लीटर आता है। तो मोस्टली जो पौधे को पानी रिक्वायर होता है ना वो 3 लीटर होता है। ये स्प्रिंकल इरीगेशन मेथड सिस्टम है, ये मोस्टली बारिश के कतरों की तरह होता है। ये ऊपर से आसमान जैसे आसमान से बारिश नहीं बरसती इस तरह पानी दिया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये जो हमारी पेस्टिसाइड होती है ये इसके साथ ही हल होकर इसे दी जाती है। इस मेथड में सब पौधों को इक्वल पानी दिया जाता है और इसमें नॉर्मल रेंज कैपेसिटी ना जो 1.5 से 2 मीटर होती है यानी कि 5 फुट से 7 होती है और जो फुल रेंज होती है ना वो 6 से 12 मीटर यानी कि 20 से 40 फुट होती है। ये रेंज करता है इतना पानी को ऊपर फेंकता है।